FBI के संकेत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, आरोपियों के घर तोड़ने की कार्रवाई, आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई के लिए कलेक्टर के पास पहुंची फाइल, कई टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी, पुलिस ने दी कड़ी कार्रवाई के संकेत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, आरोपियों के घर तोड़ने की कार्रवाई, आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई के लिए कलेक्टर के पास पहुंची फाइल, कई टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी। इसमें जितने भी आरोपी हैं, कल ही हमने उनपे 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। आज जो है थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, वो थोड़ी देर में लेकर के आ रहे हैं NSA तैयार करके सभी इसमें आरोपियों का, और इनका आज हम NSA करके और कलेक्टर कार्यालय भिजवा देंगे। तो इनमें NSA की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम को पत्र हमने लिखा है, और इनके जो अवैध संपत्ति है, इन्होंने जो अवैधानिक तरीके से मकान का निर्माण किया है, उसके बारे में नगर निगम अपनी जाँच करेगा, और यदि गलत पाया जाता है तो नगर निगम उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। देखिए, इसमें जो है जो वीडियो फुटेज आ रहा है, उसमें दो के नाम नामजद थे, उसमें नाम आ गए थे, बाकी का पुलिस उसमें वेरीफाई कर रही है, और जिनके भी नाम आ रहे हैं उसमें पुलिस लगी हुई है, उसमें उनको करके और उस पर जो लीगल एक्शन है वो कठोर लीगल एक्शन उन पर की जा रही है। देखिए, इसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आरोपियों को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इतना हम आपको विश्वास ज़रूर दिलाते हैं कि जो पुलिस से बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट से बेस्ट टीम है पुलिस की, वो इसमें लगी हुई है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, इसमें जो है एक नाम जो आ रहा था सतीश भाऊ का, सतीश भाऊ इसमें आरोपी भी है, और आरोपी होने के साथ में उस पर NSA की कार्रवाई आज ही हम NSA तैयार करके और कलेक्टर कार्यालय को भेज रहे हैं, तो उस पर NSA की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उसकी संपत्ति का जितना भी विवरण है वो ऑलरेडी हम लोग खंगाल रहे हैं, और इसमें जितने भी जुड़े हुए लोग हैं इसके, उसमें ऑलरेडी कुछ तो वीडियो फुटेज में पहचान में आ रहे हैं, जिनके जिसका इन्होंने जो उसमें शामिल थे, जो भी शामिल थे, पुलिस उनको नस्तनाबूद करी। देखिए, इसमें एक ये केवल घटना हो गई कल, वो एक मसला है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लगातार पुलिस हाथों की चेकिंग कर ही रही थी, जितने भी 18 साल से लेकर के 26 साल 27 साल के बच्चे हैं या कि युवा हैं, जिनमें संभावित हो सकती थी कि इनके पास में चाकू हो सकता है, हथियार हो सकता है, पुलिस लगातार उनकी चेकिंग कर रही थी, और उस चेकिंग के दौरान पे कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और उन पर कठोर कार्रवाई भी हुई है। तो ये जितने भी अहाते हैं, और केवल अहाते ही क्यों, जितने भी इसमें NDPS के अड्डे हैं, स्मैक के अड्डे हैं, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। अभी तक हम आपको बताएं कि 1 तारीख से लेकर के अभी तक 100 से ज़्यादा केसेस पुलिस बना चुकी है, और 100 से ज़्यादा लोगों को पे कार्रवाई कर चुकी है, और आगे भी ये अभियान हम लोग जारी रखेंगे। बल्कि अब ये जो है ये थोड़ा सा टारगेटेड होगा, और इसमें जो बड़े नाम थे, बड़े नामों को भी पुलिस अपने इस अभियान में शामिल करेगी। हमने बहुत गंभीरता से इंदौर के विषय को लिया है। शराब के व्यापारियों ने की घटना और घटना के बाद की क्रिया पर प्रतिक्रिया दोनों ही गंभीरता से, हमने तय किया है कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे, और इनके जो भी अवैध मकान वगैरह बने हुए हैं, अवैध संपत्तियां हैं, सबको हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। पूरी सख्त है, सरकार की निगाह है, इंदौर में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं।